सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इसी वीडियो के माध्यम से निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम पहले FII और DII के बीच में कितना बाइंग और सेलिंग आया है उसका डाटा के बारे में जानेंगे, उसके बाद निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि निफ्टी कहाँ मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है, और थर्ड पे हम क्रूड ऑयल का चार्ट को देखेंगे कि क्रूड ऑयल का चार्ट के हिसाब से क्रूड ऑयल किसी तरह मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है, और लास्ट पे हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देख के भी समझेंगे कि निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारा किसी लेवल के आसपास सपोर्ट आ रहा है और किसी लेवल के आसपास इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, और मैक्सिमम चांस है कि निफ्टी किसी दिशा पे मूव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमें सारे चीज स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करके जानते हैं। दोस्तों, FII और DII का डाटा जानने के लिए बेसिकली हमको NSE इंडिया का साइट ओपन करना पड़ेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे NSE इंडिया का साइट ऑलरेडी ओपन करके रखा है, और देखिए आज मार्केट 10,604 के आसपास क्लोजिंग दिया है, और जो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनी है वो 50 कंपनी के अंदर 25 कंपनी का शेयर ऊपर की तरफ गए हैं और 24 कंपनी का शेयर नीचे की तरफ गए हैं और एक शेयर अनचेंज रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी FII और DII का कितना बाइंग और सेलिंग आया है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, वो जानने के लिए हमको ये प्रोडक्ट टैब के अंदर जो इक्विटी का सेक्शन है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, अभी आपको इक्विटी का डिटेल दिखेगा, तो ये करेंट मार्केट रिपोर्ट को एक्सपैंड करने के बाद हमको व्यू ऑल एंड ऑफ द डे रिपोर्ट का एक लिंक दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको डेली का रिपोर्ट दिख रहा है, और ये लेफ्ट साइड पे FII एंड DII ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन NSE BSE एंड MSCI लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको FII और DII कितना बाइंग और सेलिंग के हैं उसके बारे में डिटेल्स पे मिल जाएगा। देखिए, FII ने आज 3,435 करोड़ के आसपास बाइंग किए हैं और 4,249 करोड़ के आसपास सेलिंग किए हैं। तो अगर आप नेट नेट देखेंगे 813 करोड़ के आसपास सेलिंग आया हुआ है। अगर आप DII के डाटा को देखेंगे तो DII 2,901 करोड़ के आसपास बाइंग किए हैं और 1,738 करोड़ के आसपास सेलिंग किए हैं। तो इसका जो नेट नेट रिजल्ट आ रहा है 1,163 करोड़ के आसपास बाइंग आया हुआ है। अगर आप DII और FII दोनों का डाटा को मिलाएंगे तो लगभग 300 करोड़ के आसपास बाइंग आया है। तो दोस्तों, ये डाटा को देख के हमको पता चल रहा है कि कल हो सके मार्केट थोड़ा ऊपर जा पाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 300 करोड़ के आसपास बाइंग आया है। हमें FII और DII का डाटा को सिर्फ देख के ये नहीं बता सकते कि मार्केट कल ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, तो उसके लिए हम निफ्टी का टेक्निकल चार्ट, क्रूड ऑयल का मूवमेंट और निफ्टी का ऑप्शन चेन देख के पता करते हैं कि मार्केट कहाँ मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, और ये निफ्टी का चार्ट के हिसाब से देखिए कंटिन्यूअसली 8 दिनों से निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, देखिए दोस्तों, निफ्टी कंटिन्यूअसली इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो जब तक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करेगा मार्केट और ज़्यादा नीचे जाने के लिए चांस है। लेकिन देखिए, निफ्टी ये जिस लेवल पे आके क्लोजिंग दिया है ये 10,604 का लेवल पे, तो निफ्टी के लिए 10,600 का लेवल एक स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल बन रहा है। अगर निफ्टी ये लेवल को तोड़ के नीचे जाके ट्रेडिंग करने लगता है तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये 10,330 का लेवल, क्योंकि ये 10,600 लेवल के बाद ये 10,330 का लेवल हमारे लिए निफ्टी के लिए सपोर्ट का लेवल बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी का ये ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड डाउन साइड है, तो हम ट्रेंड के साथ हमको बेसिकली ट्रेड करना है। और देखिए, मैंने यहाँ पे दो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देखिए, ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इसीलिए मेजर चांस है कि निफ्टी और ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम को भी देखेंगे, ये हाई वॉल्यूम के साथ निफ्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए मेजर चांस है कि कल भी निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है, देखिए मैंने यहाँ पे ATR का वैल्यू को ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि ATR का वैल्यू के हिसाब से निफ्टी एक दिन में कितना मूवमेंट कर सकता है। देखिए दोस्तों, ATR के वैल्यू के हिसाब से निफ्टी एक दिन में 120 पॉइंट के आसपास नीचे जा सकता है, इसीलिए अभी निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है 10,600 लेवल के आसपास, तो अगर निफ्टी इसी लेवल से 120 पॉइंट नीचे की तरफ जाता है तो
तो हमारा जो बेसिक टारगेट रहेगा 10,480 लेवल के आसपास। देखिए ये लेवल के आसपास हम बेसिकली कॉल के लिए टारगेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी अभी नीचे जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, निफ्टी जो अभी आज का लो को तोड़ के नीचे ट्रेडिंग करेगा तो अभी आप आपकी ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी क्रूड ऑयल और ऑप्शन चेन को देख के पता करते हैं कि क्रूड ऑयल और ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट किसी दिशा पर मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन किया है और ये क्रूड ऑयल का डेली चार्ट है, और देखिए डेली चार्ट के हिसाब से क्रूड ऑयल अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रूड ऑयल कंटिन्यूअसली 6-7 दिनों से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये क्रूड ऑयल के लिए ये 4000 का लेबुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेबुल है, और कल ऑलरेडी ये लेबुल को क्रूड ऑयल क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था, लेकिन आज थोड़ा रिकवरी आने के बाद वापस ये क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जाने लगा है। मैंने यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्रूड ऑयल के रिकवरी आने के बाद ये फिर वापस देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये क्रूड ऑयल ये 4000 का लेवल पे क्लोजिंग देता है तो मैक्सिमम चांस रहेगा कि क्रूड ऑयल इसी लेवल से और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाए। अगर क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जाता है तो मैक्सिमम चांस है कि निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, ये था क्रूड ऑयल के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में एनालिसिस करके देखते हैं कि निफ्टी किसी दिशा पे मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि एट द मनी किसी लेवल के आसपास आ रहा है। निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है, ये क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी 10,000 मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 10,604 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो अगर 10,604 पे क्लोजिंग होता है, हमारा जो एट द मनी आता है ये 10,600 लेवल के आसपास। तो ये 10,600 लेवल पे हमारा आज अगर देखेंगे, ये पुट राइटिंग जो हुआ है ये 90,000 से ज़्यादा पुट राइटिंग हुआ है। देखिए दोस्तों, बेसिकली ये पुट का एनालिसिस के हिसाब से हम हमारी निफ्टी का सपोर्ट का लेवल निकालेंगे, और ये कॉल का एनालिसिस के हिसाब से हम बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस का लेवल निकालेंगे। तो देखिए, अभी हम सपोर्ट का लेवल के लिए ये पुट का अगर एट द मनी को देखेंगे तो ये 10,600 का लेवल पे 90,375 का कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, और देखिए यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी है ये 8,16,525 के आसपास ऐड हुआ है। लेकिन अगर आप पुट राइटिंग के बारे में देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है ये 10,550 लेवल के आसपास। तो हम ये मान के चलेंगे कि निफ्टी के लिए जो सपोर्ट का लेवल है ये ऑप्शन चेन के हिसाब से ये 10,550 का लेवल। अगर ये 10,550 का लेवल टूटता है और सबसे ज़्यादा जो ऐड हुआ है ये 10,500 का लेवल पे, तो ये 10,550 और ये 10,500 का लेवल पे सबसे ज़्यादा पुट का कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 10,500 का लेवल पे 233,700 के आसपास यहाँ पे पुट का कॉन्ट्रैक्ट का राइट हुआ है, और इसका क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 688,575 का है। तो देखिए, हमारा ये निफ्टी के लिए जो मेजर सपोर्ट का लेवल बनेगा ये 10,500 का लेवल बन सकता है। तो दोस्तों, ये पुट के हिसाब से हमारा 10,500 का लेवल को हम सपोर्ट मान के चलेंगे। तो चलिए अभी कॉल का हिसाब से निफ्टी पे किसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, कॉल के हिसाब से अगर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉल का राइटिंग हुआ है ये 10,650 लेवल के आसपास। तो देखिए, 10,650 का कॉन्ट्रैक्ट पे 296,550 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो ये 10,650 पे सबसे ज़्यादा कॉल का राइटिंग हुआ है। तो ये हमको ये सिग्नल दे रहा है कि ये निफ्टी के लिए 10,650 का लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल जैसा बिहेव करेगा। अगर आप सेकेंड हाईएस्ट देखते हैं, देखिए सेकेंड हाईएस्ट जो कॉल राइटिंग हुआ है ये 10,750 लेवल के आसपास। तो इसी लेवल पे सेकेंड हाईएस्ट कॉल का राइटिंग हुआ है। तो बेसिकली 10,650 से लेकर 10,750 लेवल ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल बनने के लिए ये ऑप्शन चेन हमको सिग्नल दे रहा है। तो बेसिकली हमारा कल का जो ट्रेडिंग रहेगा ये 10,500 से लेकर ये 10,750 के अंदर हमारा रेंज रहेगा। तो दोस्तों, ये ऑप्शन चेन के हिसाब से हमको ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम चांस है कि निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन चेन बता रहा है कि 10,650 पे हमारा रेजिस्टेंस है और निफ्टी अभी 10,600 के आसपास है। अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो ये पुट राइटिंग के हिसाब से हमारा जो मेजर सपोर्ट का लेवल आ रहा है 10,500 लेवल के आसपास।
ठीक है दोस्तों, हमको ये ऑप्शन चेन के हिसाब से ये पता चल रहा है कि निफ्टी कल 10,500 से लेकर 10,750 के अंदर मूव कर सकता है। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मैंने निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस और क्रूड ऑयल का मूवमेंट और FII/DII का डाटा क्या है आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन दोस्तों आप निफ्टी पे ट्रेड करने से पहले आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप अगर प्रॉपर रिस्क मैनेज करके प्रॉपर रूल के साथ आपकी ट्रेड करेंगे तो आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।